32 साल के बना, वो जो लाल में है कोने में, ये इनके 32 साल की उम्र का है। अच्छा, उसी 16 साल की उम्र में बद्रीनारायण को निकाल करके पुनः प्राण प्रतिष्ठा की आदि शंकराचार्य जी, चार दिशा में चार मठ बनवाए जो चार धाम कहलाए। प्रथम नंबर में हम ज्योतिर्मठ में बैठे हैं, इनके 2 साल के बाद शारदा मठ बना द्वारिका पश्चिम गुजरात में, तीसरे में श्रृंगेरी मठ बना दक्षिण कर्नाटक में रामेश्वर, इनके 7 साल के बाद पूर्व में गोवर्धन मठ बना जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी। चारों दिशा में चार शिष्य बनाए, त्रोटकाचार, पद्मपाद, सुरेश्वराचार और हरस्ता मठ, चारों को शहर बांटे हैं धर्म प्रचार के लिए, धर्म प्रचार। हाँ जी, और फिर आदि शंकराचार्य जी 32 साल की उम्र में केदारनाथ से फिर वो लौटे नहीं, अपने धाम को चल दिए, अपने धाम को चले। यहाँ उनका प्रथम शिष्य सामने त्रोटकाचार्य जी बने थे, इनका पीढ़ी आकर के यहाँ फिर बीच में रुक गया था। अच्छा, सन 1776 में जहाँ हम बैठे हैं भूकंप आया था, पूरा बाजार साफ, उसमें एक कल्पवृक्ष नीचे नरसिंह मंदिर गए होंगे, ये 2 ही बचे। अच्छा, 165 साल निकल गया, न गद्दी रह गया न ही शहर रह गया। हमारे पूर्वज लोग पैदल आते थे। अच्छा, फिर 1940 में ब्रह्मानंद जी महाराज कुर्सी में बैठे हैं, ऊपर फूलमाला पहन के बैठे हैं, इनके द्वारा पुनः जीर्णोद्धार हुआ। अच्छा, उस टाइम में भी श्रीनगर से बद्रीनारायण 180 किलोमीटर पद यात्रा था। अच्छा, 62 में चीन की लड़ाई हुई, उसमें मलेट्टी आए, उनके द्वारा रोड आया, धीरे पुनः शहर के रूप में परिणित हुआ है। अच्छा, अभी आप लोग बाजार से ऊपर चढ़े हैं तो दाहिने साइड में सबसे नीचे में लिखा है भविष्य केदार, वो मूर्ति स्वयं हुआ अपने से बढ़ देखा था। हाँ हाँ, देखा था स्वयं। हाँ, स्वयं हुआ है, और यहाँ से 25 किलोमीटर में भविष्य बद्री है, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित है। अच्छा अच्छा, जो नरसिंह भगवान है छोटे शालिग्राम पत्थर में है, उनका बायां कलाई गोला करते जा रहा है, जिस दिन हाथ अपने से अलग हो गया, जिस बद्रीनारायण के हम अभिवर्तमान दर्शन करते हैं वो लुप्त हो जाएंगे, तो यहाँ से जो भविष्य बद्री है उनका फिर वो दर्शन होगा। अच्छा अच्छा, ये चारों पीठ हमारे चारों युग के हैं, सतयुग में हम बद्रीनारायण में बैठे हैं, त्रेता में राम जी अवतार लिए थे। अच्छा, श्वेत बांध रामेश्वर बांधे थे, 11,000 वर्ष राज करने के बाद फिर अपने धाम को जाकर के राम बड़े थे, लक्ष्मण जी छोटे थे, तो द्वापर में द्वारिकापुरी बसाए, तो राम जी छोटे कृष्ण बन गए, उनको बोले भैया बलराम बनाए, 125 साल वहाँ राज किए, कलयुग में आके आपके जगन्नाथपुरी में। अच्छा, कृष्ण जी हैं, बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा, चारों दिशा में, चारों दिशा। अद्भुत महाराज, स्फुटि ये बनवाया स्फुटि का है। बस यात्रा करें और लोगों को ये आप